अभी वो दिन काफी दूर है जब हम सौर मंडल से बाहर किसी स्टार सिस्टम में अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। मार्स पर जीवन की बात सुन सुन कर हम बोर हो चुके हैं, इसलिए आज हम इंसानी जीवन दूसरे स्टार सिस्टम के ग्रहों पर बिताएंगे। तो आप बैठिए मेरी एंटी मैटर की स्पेसशिप में और हम चले सौर मंडल छोड़कर। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। तो चलें एक लंबी यात्रा पर। हमारी स्पेसशिप का पहला स्टॉप आ चुका है और हम अभी पृथ्वी से 13.8 लाइट ईयर्स दूर हैं। इस समय हम वुल्फ 1061 सी नाम के ग्रह के पास हैं और उस ग्रह में हम लैंड करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि एक साइड काफी गर्म और एक साइड काफी ठंडा है, क्योंकि ये ग्रह अपने होस्ट स्टार के नजदीक है, जिससे कि ये टाइडली लॉक हो गया है। पर इसका ठंडा वाला साइड उतना भी ठंडा नहीं है कि हम सभी जम जाएं। तो अब हमने ठंडे साइड पर लैंड किया है, पर इसका एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक है। इसके कारण हमारी स्पेसशिप में प्रॉब्लम आ गई है, पर घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि हमने सुरक्षित लैंड कर लिया है। इस ग्रह की एक खास बात है कि इसकी अपने तारे से दूरी घटती बढ़ती रहती है। कभी ये अपने तारे से 0.073 AU दूर रहता है तो कभी 3 AU। इस प्लेनेट में जीवन तब बच सकता है जब ये अपने तारे से 0.5 AU दूर हो। ये 18 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है, जिससे 15 दिन तक इस प्लेनेट में हम जीवित रह पाएंगे और बचे 3 दिन में ये हमारा खात्मा कर देगा। तो मेरे हिसाब से इस ग्रह पर रहना किसी खतरे से कम नहीं, और आप भी यही चाहोगे कि जितना जल्दी हो सके हम इस ग्रह से बाहर निकल लें। तो इस ग्रह की डेंजर को देखकर हम इस प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पर चल दिए हैं, जो हमारी पृथ्वी से 23.62 लाइट ईयर्स दूर है। ये ग्रह ज्यादा गर्म नहीं रहता, पर इसका तापमान इतना है कि हम आराम से जिंदा रह पाएं। यहाँ पर तापमान -18.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस ग्रह का नाम ग्लीस 667 CC है, जो कि ग्लीस 667 सी नाम के रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता है। ये तारा सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा उम्र तक जिंदा रहेगा। ये लगभग 100 से 150 अरब साल तक जिंदा रह सकता है। ग्लीस 667 सीसी अपने तारे से टाइडली लॉक है, मतलब इस ग्रह का एक साइड हमेशा इसके तारे को फेस करता है और दूसरा साइड हमेशा अपोजिट दिशा में रहता है। पर ग्लीस 667 सीसी पर दोनों साइड के बीच वाले हिस्से में एक टर्मिनेटर लाइन है, जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वहां पर लिक्विड वाटर भी हो सकता है। 23 जुलाई 2015 को नासा ने एक प्लेनेट खोजने का दावा किया था, जिसका नाम केपलर 452b रखा गया, और अब हम उसी ग्रह पर जा रहे हैं। पृथ्वी से 1402 लाइट ईयर्स दूर इस ग्रह में जीवन बसने की काफी संभावना है। इस प्लेनेट का तारा सूर्य से 20% चमकीला है और सूर्य से 1.4 अरब साल बड़ा है। केपलर 452b पृथ्वी से 60% बड़ा है। यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्रह में इतनी क्षमता है कि वो अगले 50 करोड़ साल तक इंसानी जीवन को जीवित रख सकता है। उम्मीद है कि यहाँ पर लिक्विड ओशंस भी हैं, पर इस ग्रह में ज्वालामुखी भी बहुत हैं। 50 करोड़ साल बाद इस ग्रह में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे ये शुक्र ग्रह जैसा बन जाएगा। अब हम हैं हमारे सफर के आखिरी ग्रह में, जिसका नाम है K2 3D। ये प्लेनेट अपने स्टार का हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, और इस ग्रह का एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर ठीक रहा तो शायद यहाँ पर लिक्विड पानी जरूर हो सकता है। ये ग्रह अपने रेड ड्वार्फ स्टार K2-3 से टाइडली लॉक है, इसलिए इस ग्रह के टर्मिनेटर लाइन में जीवन जरूर संभव हो सकता है। ये ग्रह धरती से 137 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे नासा ने अपने केपलर K2 मिशन की मदद से खोजा था। इस ग्रह पर एलियन लाइफ होने की काफी संभावना है, जिस कारण वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद फिर से इस पर रिसर्च करेंगे। पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा रेडियस वाले इस ग्रह पर अगर पार्शियल एक्लिप्स देखा जाएगा तो वहां पर एलियंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइट ईयर्स दूर प्लेनेट पर एलियन खोजने के लिए उन ग्रहों पर लगे ग्रहण की मदद भी ली जाती है। अब लगता है कि हमें वापस अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना खत्म होने वाला है। तो हम भूखे तो नहीं मरना चाहेंगे इस वीरान प्लेनेट पर, इसलिए वापस चलते हैं अपनी धरती पर। अगर आपका मन किया तो बताना नीचे कमेंट में, फिर दोबारा से ऐसे ही प्लेनेट की खोज में चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त को। और हाँ, कहाँ जा रही हो? वीडियो को लाइक तो कर दो
और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। जय हिंद दोस्तों।